मैं रहमतुल्ला, आप तेरे दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो में। प्रशंसक वीडियो है कि डिस्ट्रॉय ईरान न्यूक्लियर साइट्स, ट्रंप सपोर्ट्स इजराइल। चलो जी, ट्रंप का भी बयान आ गया, देखते हैं दोस्तों वीडियो फिर बात। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल स्टडी आईक्यू, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब पूरी दुनिया वेट कर रही है कि इसराइल किस तरीके से ईरान पे अटैक करेगा, ईरान के ऑयल को कितना नुकसान पहुंचाया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट है जो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है इवन इन इंडिया। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि इसराइल को सीधा सीधा ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पर ये न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर इवन जहां पे इनके कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहे हैं, इसे डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। वरी अबाउट रेस्ट लेटर, इसका जो अंजाम होगा, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके बारे में बाद में सोचना। हिट ईरान न्यूक्लियर साइट्स फर्स्ट। नाउ ट्रंप की जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि ट्रंप जो यहां पर कह रहे हैं इसके पीछे ट्रंप की हिस्ट्री क्या है ईरान को लेकर, और क्यों अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो आप कह लीजिए लिटरली ये ईरान को नक्शे से मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ईरान, वुड यू हिट ईरान? एंड ही गोस, एज लॉन्ग एज दे डोंट हिट द न्यूक्लियर स्टफ, दैट्स द थिंग यू वांट टू हिट, राइट? आई सेड आई थिंक ही इज गॉट दैट वन रॉन्ग, इज दैट द व्हाट यू आर सपोज्ड टू हिट? I mean, it's the biggest risk we have. Nuclear weapons, the power of nuclear weapons, the power of weaponry. You know, I rebuilt the entire military, jets, everything. I built it, including nuclear, and I hated to build the nuclear, but I got to know firsthand the power of that stuff. And I'll tell you what, we have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been, hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. That's what they, if they're going to do it, they're going to do it. But we'll find out whatever their plans are. But now, statement में आपने ये सुना, ट्रंप ने ये बात तो कन्फर्म कर दी है कि बिल्कुल ईरान पे अटैक होगा। क्वेश्चन यही है कि ईरान पर कहाँ अटैक होने वाला है? क्या इनकी जो ऑयल फील्ड है ये डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, जिससे बाय द वे ईरान को बिलियंस का नुकसान होगा, या फिर ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको अटैक किया जाएगा? जो बाइडेन ने अभी तक ये कहा है कि अगर इसराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करता है तो उस अटैक को सपोर्ट नहीं करेंगे। बाय द वे, यूएस ऑलरेडी इस मामले में काफ़ी अकेला पड़ चुका है। यूके और फ्रांस, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज, दोनों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। दोनों कह रहे हैं कि ईरान पे किसी भी टाइप की अटैक में ये पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, यहाँ पर ईरान सिर्फ अकेला नहीं होगा। जैसे ही न्यूज़ आती है कि ईरान पे बड़ा अटैक हुआ है, आई अश्योर यू रशियन मिलिट्री सीधा सीधा ईरान में आ जाएगी, चाइनीज मिलिट्री ईरान में आ सकती है। रशिया और चाइना ईरान को ऑल टुगेदर हारने नहीं देंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि रशिया ऐसा क्या करेगा जिससे इसराइल के स्ट्राइक्स ज्यादा डैमेज ना कर पाए ईरान को, देखिए ईरान और रशिया के बीच में आज के समय बातचीत ये हो रही है कि रशिया टेम्पोरेरली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और SU-35 फाइटर जेट ये स्टेशन कर सकता है ईरान में। इसके बारे में आप अगर देखोगे तो अमेरिकन मीडिया काफी लंबे समय से लिख रहा है, ये वॉशिंगटन टाइम्स का आर्टिकल है, कुछ महीनों पुराना है, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है रशियन वेपन्स हेल्प ईरान हार्डन डिफेंस अगेंस्ट इजरायली एयर स्ट्राइक्स। ऑलरेडी ईरान के पास रशिया का दिया हुआ S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। बताया जा रहा है कि अगर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तेहरान और बाकी जो ईरान के बड़े शहर हैं वहां पे डिप्लॉय हो जाते हैं, उस केस में देखिए इसराइल के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एक ह्यूज स्ट्राइक करना। इवन जो F-35 फाइटर जेट है इसराइल के पास, वो भी शायद यूज ना करे, क्योंकि अभी तक ये बात प्रॉपरली टेस्टेड है नहीं कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम US मेड F-35 फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जो बाइडन ये बात अच्छे से समझते हैं, और इसलिए बाइडन ने यह भी बोलना स्टार्ट कर दिया है, पहले ये कह रहे थे कि अगर जो ईरान का ऑयल है वहां पे अटैक करना है तो उस केस में यूएस सपोर्ट करेगा इसराइल का, अब बाइडन ने वहां से भी थोड़ा सा डिफेंसिव पोस्चर ले लिया है। ये कह रहे हैं कि ईरान की शायद जो ऑयल फील्ड्स हैं उसको भी हम अटैक ना करें और जो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हैं वो हम ढूंढते हैं। और इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बाइडेन की जो अप्रोच है सब में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। और अगर आप सोच रहे हैं ट्रंप की तो ऐसी स्टेटमेंट होती ही है, ये काफ़ी बड़ा चढ़ा के बात बोलते हैं, नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति थी ना ईरान को लेकर, आप अगर बाइडेन से कंपेयर करो
तो 2016-17 के आसपास ट्रंप ने काफ़ी ठीक काम किया था, ये कई अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मान चुके हैं। देखिए, जब ट्रंप पावर में आए थे तब इन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे ईरान पर। बाइडन ने उनमें से बहुत सारे सैंक्शंस पावर में आने के बाद हटा दिए थे। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल 2021 का है, जो बाइडन ने विड्रॉ कर लिए डोनाल्ड ट्रंप की रिस्टोरेशन यूएन सैंक्शंस की। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस के कहने के बाद यूएसए ने सैंक्शंस इम्पोज किए थे ईरान पर। ये काफ़ी हद तक लेजिटिमेट थे। एज एन इंडियन मैं कहूँगा कि यूएन जब कहता है कि सैंक्शंस इम्पोज करने चाहिए तो इंडिया भी मानता है कि वो सैंक्शंस ठीक है। ट्रंप ने ये सैंक्शंस ईरान पे लगा दिए थे 2018 में। बाइडन ने पावर संभालते ही पहला काम ये किया, ये सैंक्शंस हटा दिए। और इसलिए आपने देखा होगा बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार जो बाइडन की आलोचना करी है और ये कहा है कि बाइडन एक दिशाहीन पॉलिसी अपना रहे हैं ईरान को लेकर। ईरान क्या कर रहा है हिजबुल्ला के साथ, हमास के साथ, इसके बारे में बाइडन को कोई आइडिया है नहीं। और आज के समय जो मिडिल ईस्ट की स्थिति हो रखी है, मैं यहाँ पर ये कहूँगा चाहे ट्रंप कि जो आप अगर वाणी सुनो, जो इनके शब्द होते हैं, लगता नहीं है कि बहुत यू नो सोफिस्टिकेटेड इनको लैंग्वेज आती है। काफ़ी बार कंट्रीज़ के नाम भी इधर उधर ये कर देंगे, बट जो इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट ईरान, ये काफ़ी हद तक करेक्ट है आप कह सकते हैं। जो ट्रंप की पॉलिसी थी 2018-19 के आसपास तक, बाइडन धीरे धीरे उसी पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। और ये बात मैं आपको बता दूँ, अमेरिकन जनता भी नोट कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मामले में बिल्कुल ठीक थे। जब ट्रंप पावर में थे ईरान काफ़ी हद तक कंट्रोल में था, मगर अब अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा कि मिडल ईस्ट में देखिए लार्ज स्केल वॉर का पता नहीं, स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट इमिनेंट है। रीज़न मैं आपको ये बता दूं, इसराइल देखिए ये अटैक टाल नहीं सकता। इसराइल डेफिनेटली ईरान को इस बार हिट करेगा। इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि 7 अक्टूबर की जो एनिवर्सरी है ये भी पास आ रही है। आज 5 अक्टूबर है, 6-7 आने वाले 2 दिन में मैं कहूँगा पॉसिबिलिटी बहुत हाई है इसराइल अटैक कर सकता है ईरान को इन विच एवर वे पॉसिबल। वो अटैक कैसा होगा और ईरान उसके रिस्पांस में क्या कहेगा ये देखना होगा। बट आप इसराइल के पर्सपेक्टिव से देखो तो 7 अक्टूबर 2023 ये वही तारीख है जब हमास के मिलिटेंट्स ने 1200 इसराइली नागरिकों को मार दिया था और कई जो इंटरनेशनल फॉरनर्स वहाँ पे थे उन्हें भी मारा था। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर यही कहूँगा, देखिए 7 अक्टूबर से पहले तक का हमको वेट करना होगा। मोस्ट प्रॉब्ली कोई बड़ी बात नहीं है, आज रात कल या 7 अक्टूबर के आसपास हमें एक बड़ी न्यूज़ देखने को मिले और उस केस में देखना होगा कि इसराइल क्या डोनाल्ड ट्रंप की सुनेगा कि सीधा सीधा जो न्यूक्लियर साइट्स हैं इनको टारगेट करो, या फिर बाइडन की बात सुनेगा जहां पर बाइडन अब ये भी कह रहे हैं न्यूक्लियर साइट्स छोड़ो, अब ऑयल को भी अटैक मत कर देना। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि क्लाउडिया शेनबॉम, ये नाम आज के समय बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको बताना है कि हाल ही में ये किस कंट्री की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। काफ़ी न्यूज़ में है ये टॉपिक। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जर्मनी, मेक्सिको, स्पेन या फिर ब्राज़ील। कॉमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कॉमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएँ कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक यूपीएससी यूपीपीएससी कॉम्बो पैकेज। यहाँ पर देखिए स्टडी आईक्यू आपके लिए एक यूनिक कॉम्बो पैकेज लेके आया है जहाँ पर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स दोनों के कोर्सेज कर सकते। तो जी दोस्तों वीडियो खत्म। बाइडन के जो स्टेटमेंट्स थी ना यूक्रेन और रशिया को लेकर, वो तो बड़ी पॉजिटिव थी, क्योंकि वो अक्सर चाहता था कि अगर मैं होता, बाइडन कह रहा हूँ सॉरी ट्रंप की बाइडन ने मुँह सुन लिया, ट्रंप की स्टेटमेंट जो रशिया और यूक्रेन की वार को लेकर बड़ी पॉजिटिव थी। मतलब उनका जो नज़रिया था ना रशिया और यूक्रेन को देखने का, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मतलब वो एक पॉजिटिव उनके अंदर पॉजिटिविटी आया किस तरीके। अगर मैं होता तो ये रशिया यूक्रेन की वार ना स्टार्ट होती और ना इस मैच पर दोनों कंट्रीज जाते हैं, इतना मतलब कि दोनों तरफ नुकसान ना होता जो आज हो रहा। तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि जो बाइडन है वो काफ़ी समझदार प्रेसिडेंट साबित हो सकते हैं इसराइल अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए। गर्व बात है, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट है तो उसका असर पूरी दुनिया पर होता है, कहीं ना कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ना कहीं असर ज़रूर है अमेरिका का, क्योंकि हर कंट्री में तो इनके जाल है, हर जगह इनकी एयर बेसिस है। तो इस वजह से मतलब कि ना इनका काफ़ी ज़्यादा असर सूख होता है पूरी दुनिया में, इसलिए अमेरिका का प्रेसिडेंट जो होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंस रखता है पूरी दुनिया के।
लेकिन आज का जो बयान दिया है ना, मतलब कि जब बाइडन ने, वो बड़ा मतलब ना मुजिका फेस है, रेडिकुलस यार, कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स उस पर हमला करता है। अब इसके चाहे मैं मान लेता हूँ, एक सेकंड में मान लें कि इसराइल अटैक कर देता है ईरान की जो साइट्स हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या फिर ईरान बर्दाश्त कर पाएगा ये सारा अपना नुकसान? तो फिर क्या ईरान खामोश बैठ जाएगा, या क्या उस जो मतलब अगर बंकर बस्टर बॉम्ब फेंकते हैं, सारे बात वो हम एक वीडियो देख रहे थे मेजर साहब की, वो बता रहे थे कि ये ऊपर नहीं है, ये मतलब काफ़ी मीटर नीचे जमीन के अंदर इनके जो हैं मतलब ये न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं ईरान के, तो सारे बात है फिर बंकर बस्टर बॉम्ब भी चलाने पड़ेंगे इसराइल को। अगर चलाता है वो फटते हैं फिर न्यूक्लियर साइट्स पर, तो सारे बात न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया जाता है या उसको एनर्जी मिलती है तो वो भी फटेगा, तो कितनी तबाही लाएगा, ये भी सोचने वाली बात है, कितने जानों को नुकसान करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। अगर हो जाता है तो मेरे ख्याल में ये एक बच्चों वाला इनका स्टेटमेंट है, और इसके कंसिक्वेंसेस को वो मद्देनजर नहीं रख रहा यार, वो ना भी बना रहे हैं एटॉमिक पावर, बाकी जो पावर प्लांट उसमें न्यूक्लियर यूरेनियम तो है, प्लूटोनियम तो है, जो दुनिया लोगों की ज़िंदगी के लिए नुकसान दे, उसकी ताप गारी रेडिएशन जो है वो दुनिया को बड़ा नुकसान दे सकती है, हो सकता है बहुत ज़्यादा डैमेज हो। तो मैंने सुना ये है, मेरे नज़दीक ये अच्छा मशवरा नहीं है। मैंने ये सुना है जो जहाँ पर यूरेनियम है ना, वो जहाँ से निकाला जाता है, और वहाँ पर जो लोग वो कहते हैं कि थोड़ा सा टुकड़ा हो ना यूरेनियम का, तो एक बहुत बड़े कह लें कि कस्बे को या इलाके को काफी महीनों तक जो है ना बिजली फ्राहम कर सकता है एक यूरेनियम। वन केजी यूरेनियम जो है ना कितने टन कोयले के बराबर नजर रखता है अगर उसको तोड़ा जाए। और कहते हैं कि वहां पर जो बाकी मजेदार की बात आपको शायद पता है कि नहीं है, यूरेनियम जो है ना जो मिलता है वो सारा कार अमल नहीं होता, उसमें होते हैं आइसोटोप्स, उसके एक यूरेनियम 238 होता है और एक यूरेनियम 235 होता है। ये जो मिलता है ना जमीन से यूरेनियम कहीं से 35, तो वो ज्यादातर 238 होता है, मतलब अगर 100 ग्राम अफरत का हमें यूरेनियम मिला तो 100 में से पहली बात ये बाकी चीजें होंगी। अगर सिर्फ यूरेनियम यूरेनियम की बात करो, 100 ग्राम यूरेनियम में से कम अज कम 15-20% जो ना आई थिंक इससे भी कम होता है, नहीं सॉरी मैं ज्यादा होता है, 7-10% मैक्सिमम होता है 235 यूरेनियम। और फिर मजेदार की बात है कि वो जो 235 यूरेनियम है वो भी मुकम्मल एनर्जी में तब्दील नहीं होता, जब उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है, मुझे तो मिला था फिर फील्ड में मुझे तो उसकी अब एक ही चीज़ का पता, वो भी फिर मुकम्मल तौर पर टूटता नहीं है, अगर वो भी मुकम्मल एनर्जी दे देना चेन रिएक्शन से तो वो भी काफ़ी होती है, वो भी मुकम्मल नहीं टूटता। जैसे कि 100 ग्राम यूरेनियम है तो उसमें से सिर्फ 7-10 ग्राम 235 यानी कि कार आमद यूरेनियम है जिसको हम एटॉमिक बॉम्ब या एनर्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ 7-10 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी जो है ना 90 ग्राम वो 238 होता है या दूसरी इसके आइसोटोप्स होते हैं जो ये प्योर, इसको फिर प्योर करना कौन सा ईजी होता है, प्योर करना भी बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, जो वहाँ पर लोग काम करते हैं वो कहते हैं कि कुछ अर्से के बाद, साल बाद, डेढ़ साल बाद जो है ना उनको कैंसर एक हो जाता है, उनको खास किस्म की बीमारी हो जाती है, मर भी जल्दी जाते हैं, इतना खतरनाक है। हालांकि उसने बकायदा एक सूट पहना होता है उसके बावजूद भी, लेकिन जब ये कह लें कि फटेगा तो फिर लोगों की क्या हालत होगी? ये पागल आया, इसने अपना सियासी बयान उसने दिया है वो, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे ये उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद जो है ना लोगों का दिल में जीत लूँ, तो जो है ना इस तरह की बयानबाजी करूँगा तो शायद मुझे जो है ना वोट मिलेंगे। क्यों, और प्रशांत सर ही बता रहा था कि जो जब इसकी हुकूमत थी ना तो इसकी जो आवाम थी अमेरिकन पब्लिक वो काफ़ी इससे पुरमीद थी, क्योंकि ईरान उसने कहा था कि इसने ईरान पर सैंक्शन लगाए थे। अच्छा यार, ये देखें खुद गुंडागर्दी करते हैं जहाँ पर मर्जी कर ले, इन्होंने कल ही जो है ना दूसरे पर यमन पर इन्होंने स्ट्राइक की है, ये स्ट्राइक की है आज की है, वो कल हो जाएगा ना, तो उस वक्त यूके और इस बगैरत यूएसए ने मिलकर खुद जो मर्जी करे दुनिया की किसी जिस मर्जी कोने में चले जाएं, इनको कोई सैंक्शन लगाने वाला नहीं। यार वो एक कह लें कि शी मेल वो बैठी हुई यूएन
वो सिर्फ जो हमारे एशियन कंट्री है वहां पर उस पर रिसर्च लगाने के लिए बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये एक मुजिका फेस बयान था, बहुत गलत उसने बयान कर दिया। और इसकी जो है बहुत गलत हो गए। मिलता नहीं वीडियो में।